हेलो मित्रों, मैं बीपी सर ई लर्निंग दुर्गेश पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रतिशत, है ना, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न एवं प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आज जो हेडिंग है वो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, है ना। जैसा कि हेडिंग लिखी हुई है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। जो भी आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को आज लोग हम लोग सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है यदि किसी भी वृत्ताकार पार्क है उसकी रेडियस में अगर 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। आर जो है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि आर स्क्वायर है। पाई की जो वैल्यू होगी वो तो कॉन्स्टेंट होती है। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, वो कांस्टेंट हो गई। जब भी आप पहले जो जब रेडियस में वृद्धि नहीं की होगी, जब आप उसका क्षेत्रफल निकाले तब भी आपका पाई का मल्टीप्लाई होगा, और जब आप रेडियस में वृद्धि कर देंगे तब भी पाई का मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब पाई की जो वैल्यू होगी, जो नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल दोनों में पाई से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि पाई की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, है ना। तो जो भी फर्क पड़ेगा वो आर पर पड़ेगा, यानी कि किस पर, आर पर, आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, है ना। आर इंटू आर जो रेडियस होगी वो 2 बार वृद्धि होगी, 10% और 10%, 10% और 10%, तभी आप निकाल पाएंगे आर स्क्वायर, है ना। तो 10% का मतलब होता है, आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा 1/10, है ना। जैसे रेडियस जो आर थी, पहले जो रेडियस थी वो कितना है, 10 यूनिट, है ना। 10 यूनिट बताएगा ये आर को, और ये वृद्धि को बताएगा। जब रेडियस 10 यूनिट थी और 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, अब नई जो रेडियस है वो कितनी हो गई, 11। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो मतलब आर क्या थी, आर इंटू आर, है ना। 2 बार बढ़ेगा तो 10 और 10 से क्या हो जाएगा, 11। जो क्षेत्रफल निकलेगा आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर ही होगा। आर स्क्वायर निकालना है, क्योंकि पाई का जो मल्टीप्लाई दोनों में होगा, नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल दोनों, इसलिए हम पाई की वैल्यू को छोड़कर चल रहे हैं, है ना। तो जो भी अंतर आएगा एरिया में वो रेडियस से ही आएगा, है ना। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 100, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 11 कितना होता है, 121 होगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल ये आपका है पुराना वाला क्षेत्रफल, ये नया वाला क्षेत्रफल, जब रेडियस में 10% की वृद्धि की गई तो आपका क्षेत्रफल आया 121, है ना, 121 यूनिट, और जो पुराना क्षेत्रफल है वो है 100 यूनिट। कितने यूनिट की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, तो आप जानते हैं कि 21 यूनिट की वृद्धि हुई, कितने पर, 100 पर, है ना। 100 पर वृद्धि हुई, कितने की, 21 की, अपॉन 100, प्रतिशत में चेंज करेंगे इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ तो आपको मिला 21%। जो भी एरिया में वृद्धि हुई वो कितना, 21%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। फॉर्मूले से भी करके देखते हैं हम, प्रतिशत कुल, प्रतिशत परिवर्तन, कुल प्रतिशत परिवर्तन इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। आर की जो वैल्यू है वो 2 बार इंक्रीज हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है ना, 10%। तो एक्स का मान कितना होगा, 10% वृद्धि हुई तो आप पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे, है ना। तो वाई की वैल्यू भी 10% इंक्रीज हुई, इसको भी पॉजिटिव साइन से लेकर चलेंगे, है ना। तो 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। ऊपर क्या बच गया, एक 10 और 10 20, एक ये कितना हो गया, 21%। ये आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। आप लोग नोट कीजिए,
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज का आकार और ऊंचाई क्रमशः 8% 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 20 सही 1/20%, 2 सही 1/25%, 20 सही 24/25% और 21%। परिवर्तन पूछ रहा है आपसे वो क्षेत्रफल में, है ना। कोई त्रिभुज है वो उसके आधार और ऊंचाई में परिवर्तन किया गया है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जो त्रिभुज का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, वो कह रहा है कि अगर आधार में 8% की और ऊंचाई में 12% की वृद्धि की जाए, है ना, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन होगा आधार और ऊंचाई में, जो भी परिवर्तन किया उसकी वजह से होगा, ना कि 1/2। 1/2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। 1/2 आप नए वाले क्षेत्रफल में भी 1/2 से आप गुणा कर रहे होंगे और पुराने वाले भी क्षेत्रफल में 1/2 से गुणा कर रहे होंगे, यानी कि 1/2 का जो इफेक्ट होगा वो दोनों में सेम रहेगा, यानी कि जो भी परिवर्तन आएगा वो आधार और ऊंचाई से ही आएगा। तो वो कह रहा कि यदि इसके आधार में 8% की वृद्धि की गई, ये 8% की वृद्धि की गई और उसकी ऊंचाई में 12% की वृद्धि की गई। 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8/100, आप 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 × 8, है ना, और 25 × 100, ये 4 से कैंसिल हो गया, 25 × 100 2/25। कहने का मतलब जो पहले जो आधार था वो 25 यूनिट था और 2 यूनिट की उसमें वृद्धि हुई होगी, है ना। तो पहले जो आधार था वो 25 था, है ना, 2 यूनिट की उसमें वृद्धि हो गई, तो नया आधार क्या हो गया? नया आधार हो गया आपका 2 यूनिट वृद्धि, तो 27 यूनिट हो गया। अब ऊंचाई 12% वृद्धि की गई, तो 12% का मतलब होता है 12/100, फ्रिक्शन में चेंज कर दिया तो आप कैंसिल करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 25 × 100, ये हो गया आपका 3/25। कहने का मतलब ये हुआ पहले जो ऊंचाई थी वो 25 यूनिट थी और वृद्धि कितनी यूनिट की हुई? 3 यूनिट की। तो पहले जो ऊंचाई थी वो आपकी 25 यूनिट थी और वृद्धि होने के बाद जो ऊंचाई हो गई वो आपकी हो गई 28 यूनिट, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, हो गया आपका क्षेत्रफल। 1/2 तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो 25 × 25, है ना, 25 × 25 करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकलेगा 625, है ना, 25 × 25 हो गया आपका 625। और 27 × 28 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 756, कितना आएगा? 756 आएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ करके देख लीजिएगा, 27 × 28, 8 × 7 = 56, 5 × 8 = 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 इंटू 7 × 14, 1 × 2 = 4 और 1 = 5, ये आपका कितना हुआ? 6 × 5 = 6 और 5 × 2 = 7, ये हो गया आपका 756। ये आपका कितना क्षेत्रफल बन गया? 756 यूनिट, है ना, 756 यूनिट। तो क्षेत्रफल में कितनी यूनिट की वृद्धि हुई? क्षेत्रफल में कितनी यूनिट की वृद्धि हुई? 756 माइनस करेंगे 625, यहाँ से 1 बचा और ये 3 बचा और यहाँ से 1 बचा, मतलब 131 यूनिट की वृद्धि हुई। कितने पर? 625 पर। तो आपका कितना परिवर्तन हुआ? 131 यूनिट का हुआ, कितने पर? 625 पर, जो पुराना क्षेत्रफल था, इंटू में 100। आप कैंसिल कर देंगे, 25 × 25 = 25, 625 और 25 × 100, 25 × 100, 25 से कैंसिल कर दिया, 25 × 25 625 और 25 × 100, ये हो जाएगा आपका 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 1 × 4 = 5, यानी कि 524/25। अब इसे आप भाग लगाएंगे 25 का तो कितना आएगा? 25 × 50, है ना, 2 बच गया, 4
24 में भागने जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा 24 सही 2/25, है ना। कैसे किया है, 25 का भाग लगाएंगे आप 524 में, 25 दूना 50, 2 बच गया, 4 अंक उतारेंगे, अब भाग नहीं जाएगा 25 का 24 में, है ना। तो अब ये क्या हो गया, शेष हो गया, जीरो बढ़ा देंगे, शेष हो गया। तो आप कहने लगेंगे 24 सही 24/25 प्रतिशत, इतना परिवर्तन आपके क्षेत्रफल में हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। फार्मूले से भी करके देखते हैं कि दो बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो मतलब एक्स की जो वैल्यू है, आधार है तो एक्स है तो वो बढ़ गया आपका 8%, बढ़ा है तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। वो और कह रहा कि 12% ऊंचाई में भी वृद्धि हुई तो आप वाई इक्वल टू लिख लेंगे 12% पॉजिटिव वृद्धि हुई। तो फार्मूला जानते हैं प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हो गया 8 + 12 + 8 × 12/100, ठीक है। आप कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, ये हो गया आपका 4 × 8 25 × 100, 12 × 8 हो गया आपका 20, ये बचा आपका 2 × 12/25, हो जाएगा 20 + 12 × 24/25, आपका हो जाएगा 20 सही 24/25%, इतना परिवर्तन हुआ। फार्मूले से भी ऐसे यही आएगा, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिएगा यूनिट वाला, क्योंकि जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस CI और SI पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा। इससे जो होगा आंसर जो होगा विद इन सेकेंड में निकलेगा, और ये फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो सीटेट में पूछा गया है, यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है, है ना। क्या दे रखा है आपको, ठोस घन दे रखा है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, है ना, 6 × भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6 × भुजा स्क्वायर, जो परिवर्तन हो रहा होगा वो केवल भुजा से हो रहा होगा, 6 जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, 6 का मल्टीप्लाई आप पुराने क्षेत्रफल में भी हो रहा होगा और आपके नए क्षेत्रफल में भी हो रहा होगा, इसलिए हम 6 को छोड़कर चलते हैं। तो भुजा स्क्वायर का मतलब यह हुआ भुजा इंटू भुजा, दो बार इसमें वृद्धि की जाए, है ना, दो बार इसमें वृद्धि हो रही है 150% की, ठीक है। मान लीजिएगा 150% आपको दे रखा है, 150% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 150/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, कहने का मतलब ये हुआ आपका 3/2, यानी कि 3/2। अब देखिएगा वृद्धि कहाँ पर हो रही है, पहले 2 यूनिट था क्षेत्रफल, अब 3 यूनिट की इसमें वृद्धि हो गई, कितनी यूनिट की, 3 यूनिट की, पहले इसकी जो भुजा थी वो कितनी थी, 3 थी, है ना, अब वो नई भुजा कितनी हो गई, 2 यूनिट इसकी भुजा थी, अब इसमें वृद्धि हो गई कितने यूनिट की, 3 यूनिट की, तो आपकी जो नई भुजा है वो कितनी यूनिट हो गई, वो आपकी हो गई है आपकी 5 यूनिट, ठीक है, ये वाली हो गई। और फिर कह रहा है कि वो दो बार होना है इनकी, है ना, तो ये हो गया आपका 5, फिर कह रहा है ये 2 यूनिट और 5 यूनिट, अब जो क्षेत्रफल होगा वो 4 था, अब ये होगा आपका 25, है ना, ये कितना होगा, 5 × 25 2 × 2 = 4, अब कितना वृद्धि हुआ आपका, 21 का, 21 यूनिट का आपका वृद्धि हुआ, कितने पर, 4 पर, 21/4 × 100, ये हो गया आपका 25 × 100, आप 21 × 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 25 × 25 = 5, 2, 25 × 50 और 2 = 52%, यानी कि 525 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि दो बार इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले जो भुजा थी वो 2 यूनिट थी,
अब 3 यूनिट की वृद्धि हुई तो आपकी भुजा हो गई 5 यूनिट, है ना। फिर 2 यूनिट थी, 5 हो गई। कहने का मतलब आपका जो पुराना क्षेत्रफल वो था वो 4 यूनिट था और नया क्षेत्रफल कितना हो गया 25 यूनिट। कितने यूनिट की वृद्धि हुई? 21 यूनिट। कितने पर? 4 पर। 21/4 25 चौक 100, यानी कि 25 का 21 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 525, है ना। अब फार्मूलेशन भी बना के देखते हैं। 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू आपको दे रखा है 150% वृद्धि हो रही है, पॉजिटिव साइड, है ना। वाई की वैल्यू कितना दे रखा है 150, क्योंकि सेम वृद्धि हुई है, ये आपका होगा प्लस का साइन क्योंकि वृद्धि हुई। आप जानते हैं कुल प्रतिशत परिवर्तन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 150 प्लस 150 प्लस 150 इंटू 150 अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 150 और 150 मिलकर हुआ आपका 300, 150 और 150 मिलकर हुआ आपका 300, 25 × 25 हुआ आपका 215, 15 × 15 आपका हुआ 225, ये हो गया आपका 225, 15 × 15 कितना हुआ 225, आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगी आपका 525%, ठीक है। ये आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो इसके कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वो कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई जो है L वो 12% इंक्रीज हुई और चौड़ाई है वो B वो आपका 10% इंक्रीज हुई, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू B होता है। बोला कि L में यदि 12% की वृद्धि की जाती है, 12% का मतलब हुआ 12/100, है ना, कैंसिल कर देंगे 4 से तो 4 × 12 = 25 × 100, कहने का मतलब 3/25। फिर बी चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई, 10% का मतलब होता है 10/100, 1 × 0 = 0 कैंसिल, 1/10, है ना। तो अब देखेंगे अगर उसकी चौड़ाई बी लंबाई L और एरिया A, ठीक है। अब कह रहा कि यार इसकी लंबाई कितनी थी 25 यूनिट, वृद्धि कितने यूनिट की हुई 3 यूनिट की, है ना, तो कितनी हो गई लंबाई 28 यूनिट। पहले 25 थी, 25 से अब कितना हो गया 28, 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब चौड़ाई पहले कितनी थी 10 यूनिट चौड़ाई थी और 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, 10 यूनिट इसकी चौड़ाई थी, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, मतलब 11 यूनिट हो गए। पहले जो एरिया था वो कितना था 250, एल इंटू बी कितना होगा 25/10 = 250, इसका एरिया नया एरिया कितना हो जाएगा, है ना, 28 में गुणा करेंगे आप 11 का, 11 × 8 = 88, 8 × 11 = 22, 22 × 8 = 30, 308 यूनिट, ये हो गया आपका नया एरिया 308 यूनिट। कितने यूनिट ज़्यादा है आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से 250 को, ये बचेगा 8, ये 5, मतलब 58 यूनिट ज़्यादा है। कितना यूनिट ज़्यादा है 58 यूनिट, कितने पर 250 पर, तो 58/250 × 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 25, 5 × 10, यानी कि आपका बचा 58 × 2/5, है ना, 2 का गुणा करेंगे 8 × 16 = 1, 5 × 10 = 11/5, ठीक है।
अब कैंसिल कर देंगे इसको, पांच दूनी दस, एक बच गया, पांच दिया पंद्रह, फिर एक बच गया, है ना। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पांच दूना दस, कहने का मतलब आया 23.2%। अब देख लीजिएगा आप ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ये आप डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे, पांच दूना दस, एक छह बता देंगे, ठीक है, तो पांच दिया, इधर करते हैं, फाइव 116, तो पांच दूना दस, एक बच गया, पांच दिया पंद्रह, एक बचा, भाग नहीं आ रहा, दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, पांच दूना दस, ये इस प्रकार से किए, कितना आया 23.2%। फार्मूले से भी कर सकते थे, एक्स जो था वो कितना हुआ 12%, लंबाई में वृद्धि हुई और चौड़ाई बाई में वृद्धि हुई 10% वृद्धि हुई, तो प्लस आए, तो कुल परिवर्तन कितना होगा, x प्लस y प्लस एक्स वाई बटे 100, 12 प्लस 10 प्लस 12 इंटू 10 बटा 100, ठीक है, 10 और 12 जोड़ेंगे तो आपका होगा 22, प्लस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 बटा 10, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा, आप ऐड करेंगे तो 23.2%, ये आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आप ध्यान रखिएगा, नोट करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 23.2%। जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, धन्यवाद।